नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच आज पहला T20 मैच खेला जाना है। इसी वजह चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विक्रम जी। विक्रम, ये बताइए कि पहले एक दिवसीय मैच में, पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका ने बेहतरीन खेल दिखाया था, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि पहले T20 में भी श्रीलंका बेहतरीन खेल दिखाएगा? उम्मीद है, छोटा फॉर्मेट होता है, कम ओवर होंगे, एक बल्लेबाज भी अगर चल गया तो काफ़ी बेहतरीन खेल सकता है, और एक गेंदबाज चल गया तो पूरा मैच पलट सकता है। तो उम्मीद होगी कि टेस्ट और जो वनडे हुआ उससे काफ़ी बेहतर होगा T20। T20 में श्रीलंका की टीम मजबूत मानी जाती है क्योंकि उनके पास T20 के फॉर्मेट के अच्छे बल्लेबाज हैं। हालांकि भारत के पास भी सारे, जो आप देखेंगे, 5 युवा खिलाड़ी टीम में लाए गए हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि उन युवाओं में से किन्हीं 2-3 युवाओं को मौका मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मेरी उम्मीद है कि केवल जयदेव उनटकर को ही मौका मिलेगा और बाकी 4 खिलाड़ी शायद टीम से बाहर बैठे हैं। देखिए, हो सकता है, लेकिन ये बड़ी बात है कि टीम में युवा चेहरों को तवज्जो दी गई है और मौका मिल सकता है, क्योंकि T20s हैं आगे चल के, हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अगर हमने देखा है कि वनडे में भी बड़े मौक़ों पे कुलदीप यादव और हम कहें कि वाशिंगटन जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है, तो T20 में भी रोहित शर्मा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस मैच की प्रेडिक्शन की बात करते हैं। मैच में आप कितने प्रतिशत मानते हैं कि टीम इंडिया जीत की दावेदार है और कितने परसेंट श्रीलंका जीत की दावेदार है? देखिए, इंडियन कंडीशंस हैं, इंडियन सपोर्टर्स हैं, इंडिया का बेहतरीन परफॉर्मेंस है, क्योंकि वनडे और टेस्ट में एक तरफा जीत हासिल की है इंडिया ने, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 60-40 देना पड़ेगा। 60 इसलिए क्योंकि इंडिया टीम की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी शानदार चल रही है। ऑन फॉर्म बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा हैं और आपके श्रेयस अय्यर हैं, तो ये जो युवा हैं ये काफ़ी ऑन फॉर्म हैं। वहीं गेंदबाजी में भी टीम इंडिया काफ़ी अच्छा कर रही है, तो ऐसे में 60-40। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि 60-40 टीम इंडिया इस मैच में हावी है। अब देखना ये होगा कि हमारी प्रेडिक्शन कैसी रहती है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया इस मैच को जीते। और शाम सात बजे से मैच शुरू होने वाला है, आप ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि किस किस टीम किस किस मेंबर को टीम में होना चाहिए और किस किस को नहीं।